जानते हैं भारतीय सेना दुनिया के सर्वोच्च सेना में से एक है और उनके कई ऐसे रेजिमेंट्स हैं जिन पर हर एक भारतीय को आज गर्व है। पर अगर भारत की सबसे खूंखार रेजिमेंट और दिलेर रेजिमेंट की बात करें तो वो है गोरखा रेजिमेंट, जिसे दुश्मन भी खौफ खाता है। पर कई लोगों का सवाल था कि गोरखा का सिलेक्शन कैसे होता है, उस रेजिमेंट की सैलरी क्या होती है, गोरखा रेजिमेंट में जाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गोरखा और एनएसजी कमांडो में आखिर डिफरेंस क्या होता है, और ऐसे कई सारे सवालों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए अगर हमारी तरह आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो उनके लिए लाइक करते हुए कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप आज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है, और इसके लिए भारत के फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। क्योंकि गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के साथ साल 1815 से जुड़ी है और तब से आज तक कई लड़ाइयों में गोरखा कमांडो ने इंडियन आर्मी के साथ अपनी बहादुरी और अपनी जाबाजी का प्रदर्शन दिखाया है और कई बार योगदान भी दिया है। वैसे तो दुनिया के सिर्फ 3 देशों में, जैसे इंडिया, नेपाल और भूटान के पास ही गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ 3 फेजों में होती है जो तकरीबन 9 महीने तक चलती है। उस दौरान में पहले 2 फेजों में कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है, और पहले फेज में कच्ची मिट्टी पर करीबन 7 सप्ताह तक उसके अंदर जोश और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इन्हें हर रोज ड्रिल और पीटी कराई जाती है। इसके बाद दूसरे फेज में सैनिकों को सेना के अनुशासन और तौर तरीके बताए जाते हैं। फिर आता है तीसरे फेज की ट्रेनिंग, जो पक्की चट्टान पर होती है, जिसमें करीबन 19 सप्ताह तक इन सैनिकों को चट्टान जैसे जमीन पर ड्रिल करना होता है। इसी दौरान इन सैनिकों के शरीर को लोहा जैसा बना दिया जाता है ताकि आगे आने वाली कोई भी मुसीबत का सामना करने से गोरखा रेजिमेंट ना डरे। इसलिए आम रेजिमेंट के मुकाबले गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। इसके अलावा गोरखा कमांडो अपने हथियार के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसको नेपाली भाषा में कुकरी कहा जाता है। असल में ये एक 12 इंच का एक लंबा चाकू है, जिसको गोरखा का हर एक जवान अपने पास रखता है। क्योंकि इस चाकू के बारे में एक बहुत खास बात है कि जब कोई गोरखा अपनी कुकरी को बाहर निकालता है तो फिर वो अपने दुश्मनों को खून निकाले बिना उस कुकरी को दोबारा अंदर नहीं रखता है। वैसे तो कई लोगों का कहना है कि गोरखा कमांडो में एक जाति के सैनिकों को रखा जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में गोरखा किसी भी एक स्पेशल जाति के सिपाही नहीं होते, बल्कि इनमें पहाड़ों में रहने वाले अलग अलग जातियों के लोग पूरी तरीके से शामिल किए जाते हैं। हालांकि वैसी बात करते हैं एनएसजी कमांडो की, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडो में से एक है और ये दुनिया के टॉप 5 स्पेशल फोर्सेज में एक माने जाते हैं। दरअसल एनएसजी कमांडो को भारत के वीआईपी या महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह दी जाती है, और इन्हीं एनएसजी कमांडो पर उनकी सुरक्षा भी निर्धारित होती है। वैसे एनएसजी कमांडो देश के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं, और एनएसजी कमांडो को ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर अन्य महत्वपूर्ण राजनेताओं की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को ही तैनात किया जाता है, क्योंकि एनएसजी कमांडो प्रत्येक क्षण किसी भी स्थिति में हर मुसीबत से पूरी तरह निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि एनएसजी कमांडो का कहना है कि वह अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। जैसे गोरखा की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, उसी तरह एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग भी बहुत कठिन होती है। दरअसल एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग से पहले एनएसजी कमांडो के जवानों को दौड़ में 26 तरह के मुश्किलों का सामना करना होता है, और इस ट्रेनिंग में 80% सैनिक असफल हो जाते हैं और मात्र 15-20% सैनिक ही अंतिम दौर तक पहुंचकर सफलता प्राप्त करते हैं। और इसके बाद अंतिम दौर में आए सैनिकों को 90 दिन यानी 3 महीने की एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जो एनएसजी कमांडो को शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 कार्य करने होते हैं और 180 मिनट के ऑब्स्टेकल को मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा करना होता है। यानी कोई भी सैनिक अपने समय के दौरान अपना टारगेट पूरा नहीं करता है तो उन्हें उसी वक्त वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी एनएसजी कमांडो बनने के लिए अपना टारगेट सिर्फ 9 मिनट में पूरा करना होता है, तभी जाकर कोई एनएसजी कमांडो बन पाता है।
दरअसल गोरखा कमांडो की सैलरी देखी जाए तो 11वीं गोरखा राइफल्स में कार्यरत सैनिकों को लगभग 7.7 लाख से लेकर 9.7 लाख के आसपास सैलरी दी जाती है। और वहीं एनएसजी कमांडो की सैलरी देखी जाए तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएसजी कमांडो हर महीने 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, जबकि एवरेज सैलरी की बात करें तो एनएसजी कमांडो को करीबन 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। दरअसल एसपीजी यानी सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप की सैलरी भारत में 11.1 लाख रुपए दिया जाता है और जो विशेष सुरक्षा समूह अधिकारी हैं उन्हें 8 लाख से 15 लाख रुपए तक दिया जाता है। उसी तरह कमांडो के सिलेक्शन के बारे में जाने तो एनएसजी कमांडो सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सीधी भर्ती का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एनएसजी के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में से सैनिकों को सिलेक्ट किया जाता है। जबकि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एनएसजी के लिए करीबन 53% सिलेक्शन भारतीय सेना से होता है और अन्य 47% कमांडो को 4 पैरामिलिट्री फोर्स यानी CRPF, ITBF, RAF और BSF इन सभी चारों सेनाओं से मिलाकर चुना जाता है। और वहीं एसपीजी कमांडो का सिलेक्शन भी सीधी तौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी पोस्ट मानी जाती है और एसपीजी कमांडो बनने के लिए सैनिकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही उनकी भर्ती एसपीजी में होती है। भर्ती होने वाले जवानों का सिलेक्शन अमूमन पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स यानी BSF, CISF, ITBF, CRPF के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एसपीजी कमांडो देश के सभी सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख माने जाते हैं और ये एक ऐसे सैनिक होते हैं जो गृह मंत्रालय के पूरी तरीके से अधीन होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस। आप इसके अलावा और किस चीज पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बेशकीमती राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। भारत वंदे मातरम, ये वाली बात बहुत हमेशा मतलब जोश वाली लगती है हमेशा। और बात कर जाए तो गोरखा के बारे में हमेशा बताया जाता है, गोरखा रेजिमेंट के बारे में, कि वो अगर उन्होंने एक बार वो मियान निकाल ली तो वो दुश्मन का। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।